सो हेलो गाइस, स्वागत हमारी कौन न्यू वीडियो में। गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है पहले वाली वीडियो से भी, क्योंकि पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं तीन मोस्ट पॉपुलर इंडिया की कार को लेकर आया था, जो कि ऑफ रोडिंग के मामले में काफी ज्यादा बादशाह मानी जाती है। एंड अब मैं लेकर आया हूँ थ्री कार्स जो कि सुपर कार्स है। ये एंड इंडिया में तो चलती नहीं है, वैसे तो है एक आध है बट ज्यादा नहीं है, बट ये ज्यादा अमेरिका एंड विदेशों में चलती है। तो आज हम इन कारों की मजबूती टेस्ट करने वाले हैं। एंड इंडिया कारों की मजबूती तो आपने देख ली होगी पिछली वीडियो में, कौन सी कार कितनी ज्यादा मजबूत थी एंड कौन सी कार विनर हुई थी। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले कौन सी गाड़ी कितनी ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पे मैं दो गाड़ियों का नाम बताने वाला हूँ, तीसरी गाड़ी का नाम तुम खुद बताना गाइस कैश करके। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अपनी नंबर वन पे आती है लैम्बोर्गिनी कार, लैम्बोर्गिनी, और सेकंड नंबर पे आती है अपनी गाइस बुगाटी कार, और थर्ड नंबर वाली कार का नाम मेरे को नहीं मालूम है बट आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताना। तो थर्ड नंबर वाली कार की बारी आती है सबसे पहले, चलो फटाफट से बिना देरी किए इसे बिल्डिंग से जंप कराते हैं। तो गाइस ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा भी समझ सकते हो इसको भाई, ये काफी ज्यादा ऊंची है। एंड अभी इसे जंप कराने वाले हैं, देखने वाले इस गाड़ी को कितना ज्यादा डैमेज आएगा और कितना ज्यादा खर्चा पड़ेगा। और भाई जोन सी गाड़ी को कम डैमेज आएगा एंड कम खर्चा आएगा वो गाड़ी होगी स्केल की विनर। एंड भाई गजब यार, कितनी अच्छी तरीके से जंप लगाई भाई, खरोंच तक नहीं आई ये गाड़ी को भाई, कितनी मजबूत गाड़ी है ये भाई, देखो खरोंच तक नहीं आई और बड़ी आसानी से लैंड भी होगी बातों बातों में यार, मेरे को पता नहीं चला और ठीक ठाक चल भी रही है। एंड इसके डोर में दिक्कत आ गई, सिर्फ बस थोड़ी सी दिक्कत आई है, डोर अपने आप बार बार ओपन हो रहा है, यही दिक्कत आई है। तो इसे साइड में खड़ा करते हैं और फोन करके अपने हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं, अपने दोस्त द्वारा फोन करता हूँ और एंड हेलीकॉप्टर को लेके आएगा। तो फाइनली गाइस अपना हेलीकॉप्टर आ चुका है, चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं एंड बिल्डिंग के ऊपर और देखते हैं बाकी कारों को नीचे लाते हैं। और भाई हेलीकॉप्टर आप इसमें बड़ी आसानी से ले सकते हो। एंड इस गेम का नाम भी आप पूछते हो तो भाई इस गेम का नाम है इंडियन बैक्स ड्राइव 3D, जो कि आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एंड इसमें आप मजेदार स्टोरी बना सकते हो, जैसे कि अभी मैं फिलहाल स्टोरी बना रहा हूँ और देखने वाले कि हम कौन सी गाड़ी मजबूत है, कौन सी गाड़ी मजबूत है गाइस। अभी फटाक से ऊपर चलते हैं। भाई ये देखो बिल्डिंग की ऊंचाई देखो, तो मैं बिल्डिंग की ऊंचाई भी दिखानी थी ना, देखो गाइस कितनी ऊंची बिल्डिंग पे मैंने गाड़ियां खड़ी करी है। एंड ठीक है भाई, वो रही मेरी गाड़ियां। एंड फटाक से चलते हैं और यहाँ पे लैंडिंग ले लेते हैं। ओ भाई भैंस की टाट, हेलीकॉप्टर सीधा टकराएगा क्या, इसे साइड में खड़ा कर देते हैं, हाँ यहाँ पे ठीक रहेगा ये। तो फटाक से उतर के अभी चलते हैं और इस हेलीकॉप्टर को नीचे भेज देते हैं। गाइस नीचे भेजने का एक ही तरीका है इस हेलीकॉप्टर को, इसमें ऐसे मार दो और ये भैंस की टाट उड़ गया है हवा में, पता नहीं किधर गया, चल छोड़ो उसको, जिधर भी गया होगा सही जगह पे गया होगा। एंड अब बारी आती है अपने बुगाटी कार की, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है एंड रेस के मामले में और भागने के मामले में। अभी देखने वाले कितनी ज़्यादा मजबूत है। एंड फाइनली ये जंप लगाती हुई एंड फाइनली इसने बिल्डिंग से जंप करती और भैंस प्लांट भाई इसके साथ क्या होगा किस क्या नहीं होगा ये देखना मत भूलना। एंड यहाँ पे जंप करी भाई, इसका तो बम्पर ही उखड़ गया आगे का भाई, ये तो ख़त्म ही है, इसका तो बम्पर उखड़ गया भाई, इसमें मोटा खर्चा बैठ गया है। एंड उस वाली गाड़ी से अभी तक तो एक गाड़ी विनर है एंड ये हरी वाली गाड़ी विनर है जिसका नाम मेरे को नहीं मालूम, आप कमेंट में जो बताना। चलो फटाक से अपने दोस्त को कॉल करते हैं और हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। फाइनली गाइस अपना हेलीकॉप्टर भी आ चुका है, तो फटाक से इसके अंदर एंटर करते हैं और एंड उड़ने की तैयारी करते हैं। और फाइनली हेलीकॉप्टर ऑन हो चुका है एंड उड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एंड अब फटाक से चलते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊँची है एंड इससे भाई देखो ये पेड़ भी कितना ज़्यादा ऊँचा है, आधी बिल्डिंग के बराबर है ये पेड़। और गाइस नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। एंड सेकंड वाला हेलीकॉप्टर भाई देखो कहाँ पे जाके पड़ा है, मेरा हेलीकॉप्टर दिख गया होगा कहाँ पे जाके पड़ा है भाई, उसे सभी ले जाएंगे कवड़े को समेट के। तो फाइनली मैं बिल्डिंग पे आ चुका हूँ एंड अभी इसे लैंडिंग कराते हैं, परफेक्ट लैंडिंग हो जाए। ओके गाइस परफेक्ट लैंडिंग हो चुके हैं। एंड अब आई अपनी लैम्बोर्गिनी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है रेसिंग के मामले में, एंड इससे रेस लगाना बट मेरा मन नहीं कर रहा इसको जंप कराने का, क्योंकि भाई ये है इतनी प्यारी कार, इसको जंप कराएंगे एंड डैमेज आएगा बहुत खतरनाक वाला। सबसे पहले इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ कितना गजब वाला, भाई देखो कांच वाँच चमक रहे भाई एकदम चमक, कहते हैं ना नई वाली चमक वो है बिल्कुल, अंदर से इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है जो कि भाई बेहोश कर देगा आधे से बच्चों को। तो फटाक से इसे जंप कराते हैं एंड देखते हैं इसको कितना डैमेज आएगा। और फाइनली इसने जंप लगा दिया भाई, गाड़ियों के ऊपर जंप ना करते, अरे ये तो गाड़ियों के ऊपर जंप करेगी तेरी भैंस की टांग। ओ भाई इसका भी आगे का बम्पर गया गाइस, इसका भी आगे का बम्पर नहीं गया, इसका नीचे वाला हिस्सा गया, बम्पर का नीचे वाला हिस्सा गया इसका भाई। फाइनली गाइस विनर है अपनी हरी वाली कार जिसका नाम मेरे को मालूम नहीं है, तुम कमेंट में जो बताना। एंड अपनी ये दो गाड़ियाँ हार चुकी है एंड ये मजबूत नहीं है, हाँ मजबूत है पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि ये हरी वाली गाड़ी है। एंड फाइनली ये गाड़ी जीत चुकी है एंड अभी नहीं गाड़ी। और भाई लैम्बोर्गिनी को देखो यहाँ पे कांच भी टूट चुका है, ये वाला कांच भी टूट चुका है लैम्बोर्गिनी का, इधर साइड का ड्राइवर साइड का कांच टूट चुका है। एंड लैम्बोर्गिनी में सबसे ज़्यादा खर्चा आने वाला है, बुगाटी में भी उतना खर्चा नहीं आने वाला जितना लैम्बोर्गिनी कार में आने वाला है। और ये कार मेरे को सबसे बेस्ट लगी क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है एंड भाई इसे चलाने में मज़ा आ रहा है। तो फटाफट से अभी अपने घर ले चलते हैं और बाकी की दो गाड़ियों को फोन कर दिया मैंने अपने दोस्त को, वो इसे रिपेयरिंग के लिए ले जाएगा। तो फटाफट से अपने घर की तरफ निकलते हैं एंड आज से इस गाड़ी को मैं चलाऊंगा क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है एंड पावरफुल भी है, तो इसे ले चलते हैं फटाक से अपने दोस्त की दुकान पर एंड इसे मॉडिफाई कराएंगे। तो आइए वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।